What is up guys, welcome to Priyank RKY channel, YouTube channel, sorry। तो चलो गाइज, आज बिना बकवास करे वीडियो करता हूँ स्टार्ट। सिंपली आज की इस वीडियो पे दो विड्रॉ प्रोसेस बताऊँगा एंड सात खतरनाक एड्रॉप बताऊँगा, वो भी शॉर्ट टाइम में, ठीक है। इतनी ज़्यादा वीडियो कल जितनी लंबी नहीं खींचूँगा जितनी कल खींची थी, ठीक है। 30 मिनट की 3 एड्रॉप में, लेकिन कल तो स्टेकिंग वाला था, आज भी है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं खींचूँगा। चलिए बिना बकवास करे वीडियो कर लेते स्टार्ट। उससे पहले टेलीग्राम को ज्वाइन करो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लिंक अपना करें सर्च कर लो, प्रियांक आर के वाई 786 चैनल मिल जाएगा, जाके ज्वाइन हो जाना। एंड गाइस, यहाँ पर मैं गिवे भी लगातार चला रहा हूँ 2 दिन से, तो जिन्होंने भी पार्टिसिपेट नहीं किया वो आके कर सकता है। स्टेकिंग वगैरह के लिए फीस दे रहा हूँ मैं सबको, जो कि सबके पास नहीं होती है, ठीक है। तो चलो वीडियो शुरू कर लेते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। सबसे पहले हमारा आ रहा है यहाँ पर विड्रो प्रोसेस, जो हमारा आ रहा है, ठीक है, वो आ रहा है अपना कौन सा, अपना वो फ्री ऑफ टोकन का। तो चलिए फ्री ऑफ टोकन को क्लेम करके दिखाते हैं। तो चलिए गाइस, उस विड्रो प्रोसेस बता देता हूँ जो कि हमारा आ रहा है फ्री ऑफ की तरफ से। तो फ्री ऑफ को भी करते रहना एंड यहाँ पर उसको भी करते रहना, ठीक है। सलमान खान का था ना चिंगारी, गाड़ी टोकन भी क्लेम करते रहना, ठीक है। मेरा एक एक्सपायर हो चुका है गाड़ी टोकन में, ठीक है, क्लेम करना भूल गया था तो एक्सपायर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो कितने फ्री हॉर्स है, ठीक है, फ्री हॉर्स में 1550 है। चलो गाइस चलते हैं फ्री हॉर्स की साइड पे, वेलकम बैक टू फ्री हॉर्स साइड है, ठीक है। देखो हमारा आज 13वां क्लेम है, 13 क्लेम हो जाएगी इसी के साथ, टोटल 25 क्लेम में सही है, तो मैंने बिल्कुल मिस नहीं किया। देखो आज कितना मिलता है टोकन, क्लेम पे क्लिक करता हूँ, एक आएगा उसको अप्रूव कर लेता हूँ पासवर्ड डाल के। तो देखो अप्रूव किया, अभी चलते हैं वापस, और यहाँ पर देखो 400 टोकन मिले हैं, ठीक है, नो डाउट कि 400 टोकन मिल चुके हैं हमें। अभी मैं 300 पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मिंट पे क्लिक करता हूँ, 148 विड्रॉ कर पाएंगे, तो यहाँ पर मैं मिंट फ्री उस पर क्लिक कर लेता हूँ। देखो कितना है, 1550 है ना, अभी अप्रूव करके पासवर्ड जैसे डालूँगा, तो देखो मैंने डाला पासवर्ड, यहाँ पर देखो हो गया, ठीक है, विड्रॉ, और हमारा 13वां क्लेम भी हो गया। अभी वापस आता हूँ, देखो 1550 है, इंस्टेंटली देखो आपके सामने ही रिफ्रेश हो जाएगा, देखो 1698 हो गया, ठीक है, और 148 आ गया फ्री ऑफ टोकन, जिसकी वैल्यू है $1.27, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं वापस की तरफ। सेकंड हमारा विड्रॉ प्रोसेस आ रहा है, मैंने एक ऐप दिया था आपको, ठीक है, ये वाला देखो, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ थोड़ा सा, ये वाला, इसका जितना भी लोगों ने अनलिमिटेड अकाउंट से किया था पर अकाउंट $2 मिला है, ठीक है। मैंने आपको एड्रॉप दिया था जो कि मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। तो देखो मैंने पिन डाल के ओपन तो कर लिया, उससे पहले प्रूफ दिखा दो कब दिया था। तो देखो गाइस, मैंने 5 अप्रैल को ही आपको दिया था, यहाँ पर आप टाइमिंग वगैरह भी देख लो, डेट भी देख लो, ठीक है, 2:10 PM पे ये वाला ऐप था, आप सबको देख सकते हो। अभी इसका पेमेंट तो जिन्होंने अनलिमिटेड अकाउंट से लूटा है उन सबको मिल गया, अभी इसको विड्रॉ कैसे करना है, सबका यही क्वेश्चन आता है कि तू विड्रॉ प्रोसेस नहीं पता था। चलो विड्रॉ प्रोसेस भी बता देता हूँ, उसके लिए आपको MXC एक्सचेंज को ओपन करना है, MXC का लिंक दे दूंगा, अगर अकाउंट नहीं है तो बना लेना, डायरेक्टली आपका लिंक दूंगा, कोई रेफर लिंक नहीं दूंगा, ठीक है। जैसे ओपन करोगे इसको कट करना, कट करने के बाद यहाँ पर आना, डिपॉजिट पर क्लिक करना, डिपॉजिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है गाइस इस टोकन का नेम, ठीक है, जो कि यहाँ पर है। इस टोकन का नेम क्या है देख लो, LED सर्च करना है, तो मैं कहता हूँ आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है LED सर्च करोगे ये वाला टोकन आ जाएगा, LED टोकन, इसको यहाँ पर ओके करके कंटिन्यू पर क्लिक करना, चेक द एड्रेस पर क्लिक करना, यहाँ पर आपको एड्रेस मिल जाएगा, मेमो मिल जाएगा। तो क्या करना है, यहाँ से आपको इस एड्रेस को कॉपी करना है जिसमें LED दिखा है, वापस आना है इस ऐप में, यहाँ पर सेंड पे क्लिक करना है, यहाँ पर फर्स्ट वाले इसको सिलेक्ट करना है, करने के बाद एड्रेस डालना है, यहाँ पर अपना एड्रेस डालने के बाद सिंपली सा यहाँ से कंफर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही करोगे थोड़ा सा वेट करना गाइस, जैसे ही आप एड्रेस डाल के नेक्स्ट करते हो आपके पास कितना बैलेंस है, ठीक है, मेरा अवेलेबल में 10 दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पर पूरा का पूरा बैलेंस डालूँगा, तो मैं यहाँ पर पूरा 10 डाल दिया हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक किया, इंटीरियर मेमो, ठीक है, इंटीरियर मेमो डाल देना, तो आ जाना यहाँ पर वापस, और इस मेमो को भी कॉपी कर लेना, जैसे ही कॉपी करके पेस्ट करते हो आप एक और चेक कर लेना,
उसके बाद यहाँ से कंफर्म कर देना। जैसे ही कंफर्म करोगे सेंड पे क्लिक कर देना, पिन दे देना। जैसे ही आप पिन देते हो थोड़ा सा वेट करना, यहाँ पर गो टू लिंक पे क्लिक करना और यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट करना या आपका कट जाएगा, ठीक है। देखो कट गया ना। अभी इस तरीके से आपके पास जितने भी अकाउंट हैं यहाँ पर इंपोर्ट करते जाओ और MXC पे विड्रॉ लगाते जाओ। तो मैं विड्रॉ आने तक आपको ऑफर बता देता हूँ। तो देखो इस तरीके से मिलेंगे सारे ऑफर्स की लिंक। सबसे पहले फर्स्ट ऑफर की बात कर लेते हैं। इस लिंक को आपको, तो गाइस इस लिंक को आपको ओपन करना होगा केई ब्राउज़र के अंदर। केई ब्राउज़र में आ जाना सिंपली सा, ठीक है। मेटामास्क को ओपन कर लेना। जैसे ही आप मेटामास्क ओपन कर लो उसके बाद इस लिंक को कॉपी करो। कॉपी करने के बाद अपना ही होम पेज पे क्लिक करो और यहाँ से इसे पेस्ट करके सर्च कर दो, ठीक है गाइस। बहुत ही शॉर्ट वीडियो में बताऊंगा गाइस, शॉर्ट में सब कुछ समझाऊंगा टोटली। कर लेना गाइस, कोई भी मिस मत करना। डेस्कटॉप मोड कर लेना, ईजी रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको इस तरीके से आएगा। इसे यहाँ से कट वगैरह भी कर सकते हो, ठीक है। नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेटामास्क दिख जाएगा। मेटामास्क पे आना और यहाँ से कनेक्ट वॉलेट कर लेना। जैसे ही कनेक्ट करोगे तो यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, साइन इन का पॉपअप आएगा, साइन इन कर दीजिएगा और यहाँ से हो जाएगा कनेक्ट, ठीक है। अभी इसे मैं हटाता हूँ गाइस, इसे साइड में क्लिक करके हटा दिया। अभी आपको इसे मैं दिखाता हूँ अर्निंग कैसे करनी है, ठीक है आपको, क्योंकि यहाँ पर इन सबको भी हटा देता हूँ मैं। यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। डिस्कॉर्ड को वेरीफाई करने को बोल रहे हैं, कनेक्ट डिस्कॉर्ड, ठीक है। तो वो भी कर लेते गाइस ऑथोराइज़ करके, ठीक है। थोड़ा सा यार यहाँ पर ऑथोराइज़ होने में टाइम लग सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, वेट कर लेते हैं। देखो फाइनली आपका जब ये सारा काम हो जाए तो इस तरीके से आएगा। सिंपली सा आपको यहाँ पर सेकंड नंबर वाले ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे टैक्स दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर टैक्स पे क्लिक करना, बहुत सारे टैक्स दिख जाएंगे, ठीक है गाइस। आपको इन टैक्स को बारी बारी से कंप्लीट करना है और XP earn करना है, ठीक है। XP earn करोगे उसका आप उसको USDT में कन्वर्ट वगैरह कर पाओगे, ठीक है। तो मैं डेस्कटॉप साइड ऑफ कर लेता हूँ गाइस, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं ऑफ कर लेता हूँ डेस्कटॉप मोड, जिससे कि आपको भी थोड़ा ईजी हो पाए। देखो इसमें आपको करना क्या है, टैक्स पर क्लिक करना। यहाँ पर सिंपल रिट्यूट वगैरह का टैक्स है तो आपको यहाँ पर रिट्यूट वगैरह करना है, ठीक है। ट्विटर पर जाके वो तो आप कर ही लोगे, ठीक है गाइस। और अब तो आपको यहाँ पर कितना मिल सकता है सब कुछ आप देख सकते हो, ठीक है गाइस। जैसे जैसे सारा टैक्स कंप्लीट करते जाओगे यहाँ पर आपका 0 है ना XP, वहाँ पर आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यही फंडा है इसका, आप इस तरीके से कर सकते हो। जैसे जैसे करते जाओगे आपका 1 XP 2 XP ऐसे बनता जाएगा और फिर आप यहाँ से तगड़ी अर्निंग भी कर सकोगे, ठीक है गाइस। ज़्यादा जानकारी के लिए टेलीग्राम पे आना, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। अभी के लिए आप टैक्स कंप्लीट करके रख लेना, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ गाइस, ठीक है। आपको इस एक्सट्रैक्शन लिंक को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद सिंपली सा आपको अपने की ब्राउज़र में आना है और इस एक्सट्रैक्शन को ऐड करना है। तो गाइस यहाँ से सेकंड नंबर वाली लिंक को कॉपी करना है। वॉलेट लिंक को कॉपी करने के बाद मैं दिखता हूँ कौन सा है वॉलेट लिंक। यहाँ पर सेकंड नंबर वाला लिंक कॉपी करना और यहाँ से पेस्ट करके एक सिंपल अकाउंट तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए मैं एक्सट्रैक्शन को ऐड करके जैसे ट्रस्ट वॉलेट में अकाउंट बनाते हैं वैसे बना लेता हूँ, जिसमें टाइम वगैरह कुछ नहीं लगेगा। वो आप सभी को आता ही है और आप सभी बोर भी हो जाएंगे। तो चलिए मैं बना लेता हूँ वॉलेट। उसके बाद गाइस जैसे ही आप प्राइवेट की सेव कर लोगे बोलेगा कि 2 नंबर पर कौन सा था, 9 नंबर पर कौन सा था, 11वें और 12वें में कौन सा था, वो डाल के यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक करना, कंटिन्यू पे। जैसे ही कंफर्म पे क्लिक करोगे हो जाएगा सक्सेस। अभी पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड डाल के कंटिन्यू पे क्लिक करना। जैसे ही आप कंफर्म करोगे 3 डॉट पे क्लिक करना, अपने इसी वॉलेट को वापस से ओपन कर लेना। तो आपका वॉलेट क्रिएट हो गया। वॉलेट क्रिएट होने के बाद क्या करना है बताता हूँ, चलो। जैसे ही वॉलेट हो जाए क्रिएट, उसके बाद इस फर्स्ट लिंक को कॉपी करना। कॉपी करने के बाद सिंपली सा उसी की ब्राउज़र में जाके पेस्ट करना होम पे क्लिक करके। तो मैं सिंपली सा पेस्ट कर लिया हूँ लिंक। उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। सिंपली था आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद साइनअप पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आएगा, ठीक है। अभी आपने जो वॉलेट क्रिएट किया उसी से कनेक्ट करना और किसी से नहीं, उस पर क्लिक करना। तो इस तरीके से आएगा। यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना, कनेक्ट पे क्लिक करना, अगेन नेक्स्ट करना, ठीक है। थोड़ा सा एक मिनट में दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा वेट करके करना, इस तरीके से आएगा। यहाँ पर आपको साइन इन पे क्लिक कर देना है, पासवर्ड दे देना है और नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे आपका सक्सेसफुली यहाँ से वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वापस आना,
देख सकते हो यहाँ तक आपका वॉलेट कनेक्ट हो गया। अभी आपको क्या करना है, वापस आना मेरे टेलीग्राम पे। यहाँ पर मैंने थर्ड लिंक दी है, एक ग्लेम की है, तो इस ग्लेम की लिंक को डायरेक्टली कहीं पे भी ओपन करना, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली सा यहाँ पर कनेक्ट ट्यूटर पे क्लिक करना, ट्यूटर से या किसी से भी आप कनेक्ट कर लेना। यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है, फर्स्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी वहीं पे ले जाएगा, देखो जहाँ पर हमने वॉलेट वगैरह कनेक्ट किया था, देखो ठीक है। तो आपको वॉलेट एड्रेस मांग रहा है, तो आपको एड्रेस कहाँ से देना है, की में आना, की में आने के बाद वापस इसी एक्सट्रैक्शन को ओपन करना। तो मैं एक्सट्रैक्शन को होम पेज से ही ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही ओपन करूँगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस मेरे सामने आने वाला है। जैसे ही ओपन करोगे इस तरीके से आएगा, आपको एड्रेस पे टच करना है, पर पब्लिक की नहीं देना है, एड्रेस पे टच करना, कॉपी होगा, कॉपी होने के बाद वापस आना और यहाँ पर डाल के कन्फर्म कर देना, तो आपका ये हो गया। बाकी का टास्क कंप्लीट कर देता हूँ, वो तो सिंपल है। अंत में गाइस आपकी रेफर लिंक आ जाएगी, रेफर करना चाहो तो कर सकते हो। अब चलते गाइस आज के हमारे थर्ड एड्रॉप की तरफ, जहाँ पर आपको 2 सेकंड का काम करना है बस, और कुछ नहीं करना। सिंपली सा ईमेल एड्रेस डालना, यहाँ पर इन हैशटैग के साथ रिट्वीट वगैरह कर देना, फॉलो कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, उसका URL डाल देना, मतलब अपने कोई भी आईडी से सब्सक्राइब करके चैनल का URL डाल देना, डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लेना, एंड यहाँ पर इंटर योर एल्गो वॉलेट एड्रेस, एंड ये जो आईडी दिख रही है उसको यहाँ पर ऐड भी करना है आपको। तो कैसे करना है, ये नॉर्मल से टैक्स तो पहले मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ 3 फ्रेंड वगैरह को टैग करके। इन सारे हैशटैग को कॉपी करना, उसके बाद इस लिंक पर टच करना, टच करोगे तो इसके ट्विटर पर पहुँच जाओगे। सिंपली सा अपना अकाउंट लॉगिन करता हूँ पहले, तो देखो सबसे पहले तो अकाउंट लॉगिन करने के बाद इसको फॉलो करना, एक मिनट, सबसे पहले तो फॉलो करना, यहाँ पर नीचे आ जाना, इसकी ये पोस्ट होगी फर्स्ट वाली, उसको ही रिट्वीट कर देना। रिट्वीट करने के बाद कुछ ट्वीट पे जाना, वो जो हैशटैग कॉपी किए थे उसको यहाँ पर चुका देना और 3 फ्रेंड को टैग कर लेना। तो मैं कर देता हूँ, ठीक है गाइस। तो देखो मैंने वो भी कर दिया, ट्वीट पे क्लिक किया एंड यहाँ से मैंने व्यू पे क्लिक किया और इसका लिंक यहाँ से मैंने उठा लिया। और अभी मैं वापस जाता हूँ फॉर्म पे यहाँ से, ठीक है, बैक करके ईमेल के बाद यहाँ पर रिट्वीट लिंक के अंदर सबमिट कर देता हूँ, रिट्वीट लिंक, सब्सक्राइब माय चैनल, तो ठीक है सब्सक्राइब पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर पहुँच जाऊँगा। इसकी नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल करने की परमिशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पर जाऊँगा। यहाँ पर जाने के बाद यहाँ से इसका लिंक कॉपी करके डाल दूँगा, ठीक है। तो चलो मैंने डाल दिया, कॉपी कर लिया, अभी चलते वापस और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ज्वाइन भी डिस्कॉर्ड वगैरह के टैक्स भी कर लेना, वो तो आपको आता ही है, तो मैं कर लेता हूँ। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर ये डाल देना है डिस्कॉर्ड यूज़र नेम, और अभी जो ये काम करना है इस आईडी को कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद ये जो नंबर वाली आईडी दिख रही है उसको कॉपी करने के बाद एल्गो वॉलेट पे आना, ठीक है। तो मैं आता हूँ। तो देखो गाइस इस एसेट आईडी को अगेन कॉपी करना है इस तरीके से, आपको एक एल्गो वॉलेट करके लिंक दे दूँगा, देखो यहाँ पर एल्गो वॉलेट लिंक करके दूंगा, ठीक है। यहाँ पर आकर एक अपना वॉलेट वगैरह क्रिएट कर लेना, मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ पासवर्ड वगैरह डाल के फ्रेश की इनपुट करके। तो जैसे ही आपको एल्गो वॉलेट ओपन हो जाए, आपको कुछ एल्गो चाहिए, जो मैंने आपको 24 तारीख को मेरे बर्थडे के दिन 24 अप्रैल को एल्गो वॉलेट का गिवअवे किया था, तो ऑलमोस्ट सबके पास होगा, ठीक है। एल्गो जिसके पास है वो कर लेना, और जिसके पास नहीं वो मुझे, अगर ज़्यादा बंदों के कमेंट एंड टेलीग्राम पे मैसेज आते हैं, ठीक है, कमेंट आते हैं गाइस, कमेंट यूट्यूब पे, तो मैं आपको फिर से एल्गो का गिवअवे चलाऊंगा, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, सिंपली सा यहाँ पर आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, जो ऐसे आईडी कॉपी करके लाए थे उसको पेस्ट करना है। देखो गाइस ये आईडी वेरीफाई है, तो इसके ऊपर क्लिक करना, अपना पासवर्ड दे देना, तो मैं दे देता हूँ। तो देखो आपको उसको ऐड करने के लिए 0.001 लगता है, तो मैंने आपको 0.1 लगभग दिया था गाइस, 0.01 के आसपास, जिससे कि आपका 10 आईडी इजीली ऐड हो सकता है, ठीक है। तो ऐड एसेट पे क्लिक कर देना, ऐड एसेट पे जैसे ही क्लिक करोगे आपका ये ऐड हो जाएगा। ये तो आपका हो गया गाइस, अभी आपको क्या करना है सिंपली सा देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा रिफ्रेश होने देता हूँ। तो जैसे ही वॉलेट मैंने रिफ्रेश किया, पासवर्ड डाल के अगेन से ओपन किया, वैसे ही यहाँ पर एसेट आईडी ऐड हो चुकी है। अभी क्या करना है आपको, सिंपली सा यहाँ पर रिसीविंग पे क्लिक करना है, रिसीविंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ से एड्रेस कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद वापस फॉर्म में आ जाना है। फॉर्म में आने के बाद इसको चुका के सबमिट कर देना, बस काम ख़त्म। अभी जब भी इसका परमिट मिलेगा तो मैं आपको बता दूँगा। अब चलते गए इस फोर्थ एड्रेस की तरफ फटाफट, मुझे वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं खींचनी है, ठीक है। इसे आपको सिंपली सा डाउनलोड कर लेना, 62 MB का ऐप है, 62 MB का, तो जल्दी फटाफट डाउनलोड कर लेना। तो मैं कर लेता हूँ इंस्टॉल। तो देखो जैसे ही इंस्टॉल हो जाए ओपन करो फटाक से, जैसा जैसा स्टेप बता रहा हूँ वैसा करते जाओ। ओपन करने के बाद इस तरीके से आएगा,
ओपन करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। यहाँ पर गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट 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 कर देना है। लेट्स गो पे क्लिक करना है। लेट्स गो पे क्लिक करने के बाद इस तरीके का कुछ इंटरफेस आपके सामने आएगा। मैं आपको दिखाई रहा हूँ, ठीक है, साथ ही साथ इस तरीके से आएगा। थोड़ा सा वेट करना गाइस। यहाँ पर इन तीनों में से कोई भी शूज़ आपको पसंद हो उसके ऊपर क्लिक करना। मेरे को ये पसंद है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। लेट्स गो नीचे पे क्लिक करता हूँ, यस पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही यस पे क्लिक करूँगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। जैसे ही इस तरीके का इंटरफेस आया, यहाँ पर आपको इस तरीके से इसे स्लाइड कर देना है। जैसे ही मैं सर्कल कर रहा हूँ ना वैसे ही, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसे नीचे क्लिक करके यहाँ से इसे स्लाइड्स कर देता हूँ, ठीक है। चलो तो मैं इसको स्लाइड कर देता हूँ। इसको आपको इधर से लेकर ऊपर की तरफ स्लाइड करना होगा तभी यह हटेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करना, नेक्स्ट करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आने वाला है, ठीक है। तो मैं वेट करता हूँ। जैसे ही इस तरीके से आया कोई, यहाँ पर लेट्स गो पे क्लिक करना है। लेट्स गो पे क्लिक करने के बाद जो आपको टी शर्ट पसंद है वो दे देना है। यहाँ पर सब कुछ आपको जो पसंद है वो दे दीजिएगा। तो मैं दे दे रहा हूँ फटाफट, ठीक है। जैसे जैसे मैं दे दूँगा, मेरे को चलिए ये भी पसंद है तो मैंने कुछ भी दे दिया, ठीक है, रैंडमली। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करना राइट के निशान पर, उसके बाद गो पे क्लिक करना, नेक्स्ट करना, नेक्स्ट करना। उसके बाद फाइनली आपका आ जाएगा साइन इन विद गूगल का। तो साइन इन विद गूगल पे क्लिक करना, कोई थी भी एक जीमेल आईडी सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पर टिक करके करना, ठीक है, यहाँ पर टिक करके करना। नीचे ये जो चेक मार्क दिख रहा है इसको टिक करके करना, तो करता हूँ। जैसे ही कर लो उसके बाद ये मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूज़र नेम सेट कर लेना है एक अपना, उसके बाद रेफर कोड। ये नहीं दोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं दे देता हूँ। उसके बाद इस तरीके से आएगा कि आपको पर रेफर 10,000 टोकन वगैरह मिलेंगे। तो ओपन नाउ पर क्लिक कर देना। ओपन नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इन दोनों को ऑन करना, पहले तो इसको ऑन करना अलाउ करके, और उसके बाद लोकेशन परमिशन को भी अलाउ कर देना। जैसे ही आप इन दोनों को अलाउ करोगे, यहाँ पर अगर नीचे कंटिन्यू का एक सेक्शन दिख जाएगा, इसको कंटिन्यू कर दीजिएगा। जैसे ही कंटिन्यू करोगे फिर से इसे इस तरीके से स्लाइड कर देना, ठीक है। तो मैं थोड़ा स्लाइड कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा। चलो उसके बाद दिखा रहा हूँ। तो थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, कभी कभार ये थोड़ा लैग वगैरह करेगा तो वेट करता हूँ। जैसे ही आप उसे दोबारा क्लोज करके ओपन करोगे तो यहाँ से आपको यहाँ पर देखो ये आपका सूज दिख जाएगा। इस सूज का अभी क्या करना है सब कुछ बता रहा हूँ। ये देखो जैसे पोकेमोन गो में था ना, पोकेमोन गो जिसने भी खेला होगा उसमें था, पता है आपको यहाँ पर चल के जाना था, पोकेमोन पकड़ना था। लेकिन अगर आप यहाँ पर 24 तक जाओगे तो यहाँ पर आपका ये ऑटोमेटिकली कलेक्ट होता जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे आप चलोगे वैसे ही आपका कलेक्ट होता जाएगा। तो चलो मैं थोड़ा सा चलता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पर स्कैन योर QR कोड भी यहाँ पर क्लिक करना होगा, ठीक है। स्कैन करोगे तो आपको बहुत सारा मिल जाएगा। तो अभी हम एक एक करके सबको कलेक्ट करते हैं। तो ये देखो मैं उसके पास पहुँचा, उसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर देखो ये आया। उसके बाद डन करता हूँ। डन करने के बाद मेरा ये कलेक्ट हो गया, देखो। अभी इधर नेक्स्ट नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से आप देख सकते हो कि हमारा एक हो गया, ठीक है। तो मैं इसको कट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करके इसको कट कर लेता हूँ ऊपर से। देखो अभी मैं यहाँ पर हूँ, जैसे ही यहाँ पर क्लिक करूँगा ना तो देखो ये मेरा फिर से कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो देखो मैं यहाँ पर जहाँ पर खड़ा हूँ वहाँ से दिखा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा रुको, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नीचे जाता हूँ सूज पे, और शूज पे जाऊँगा तो यहाँ पर मेरा ये बॉक्स कलेक्ट होता जाएगा। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ, स्कैन अगेन QR पे क्लिक करता हूँ। स्कैन करने के बाद देखो ये यहाँ पर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर क्लिक किया, हो जाएगा इस तरीके से कलेक्ट कर लेना गाइस। उसके बाद जैसे ही आपका हो जाए कलेक्ट, उसके बाद यहाँ से ओपन कर लेना फटाफट जितना भी मिस्ट्री बॉक्स वगैरह मिलेगा, ठीक है। अभी आप यहाँ से रेफर करने के लिए आपको क्या करना है वो बता दे रहा हूँ, ठीक है। रेफर करने के लिए सूज पे आना। सूज पे आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा वेट करना, थोड़ा सा देखो यहाँ पर इसको मैंने इसको कट कर देता हूँ, ठीक है। मेरे को कोई प्रीमियम परचेस नहीं करना। तो देखो गाइस आपको यहाँ पर लूट बॉक्स के साइड में यहाँ पर क्लिक करना है, मैंने बोला था। उसके बाद आपको यहाँ पर टच करना है। टच जैसे ही करोगे, एक मिनट में दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही इनवाइट नाउ पर टच करोगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। देखो मैं दिखाई दे रहा हूँ थोड़ा सा। माई इनवाइट कोड पर क्लिक करोगे तो कोड मिल जाएगा। देखो यहाँ पर हाँ पर रेफर आपको 10,000 लगभग कितना मिल रहा है, 50,000 टोटल टोकन मिलेगा, ठीक है। आपको उसमें से पर रेफर आपको 1,000 टोकन मिलेगा। तो आप मैक्सिमम कितना रेफर कर पाओगे देख लो यहाँ पर, ठीक है। 50 ही रेफर कर पाओगे
तो कर लेना, रेफर कोड है यहाँ पर, जैसे मैंने साइन अप किया वैसे करवा देना। और जैसे ही आपका फ्रेंड 10,000 स्टेप चल लेगा, 10,000 स्टेप कंप्लीट करेगा, वैसे ही आपको 1,000 टोकन मिल जाएगा। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट की तरफ। तो गाइस ये तो अपना चौथा हो गया, अभी फिफ्थ एयरड्रॉप की तरफ चलते हैं, जिसके लिए भी आपको की ब्राउज़र का ही यूज़ करना है। सारे के सारे अभी मान के चलो आपको की ब्राउज़र में ही करना है, आजकल तो सब कुछ की ब्राउज़र में ही होता है। सिंपली सब मेटामास्क ऑन कर लीजिएगा। तो देखो गाइस मेटामास्क ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आने वाला है, ठीक है। तो देखो अभी आपको यहाँ पर नेटवर्क पे क्लिक करना है, इथेरियम मेननेट सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप इथेरियम मेननेट सिलेक्ट कर लो, होम पेज पे क्लिक करना, इस लिंक को पेस्ट करना जो कि मैंने दिया है टैक्स लिंक करके। यहाँ पर इसे कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करना, ऊपर की साइड पे मेटामास्क पे क्लिक करना, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर नहीं आता तो 3 डॉट पे क्लिक करके इसे कनेक्ट करके साइन इन कर दीजिएगा। जैसे करोगे वापस आना है, यहाँ पर आ जाने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टेप मिलेगा, नेक्स्ट पे क्लिक करना। तो मैं कर लेता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, कनेक्ट विद ट्यूटर एंड कनेक्ट विद डिस्कॉर्ड। तो कनेक्ट विद ट्यूटर पे क्लिक करना, यहाँ पर चेक पे क्लिक करना, चेक पे क्लिक करने के बाद 3 डॉट पे क्लिक करना। एक मिनट गाइस थोड़ा सा मैं पहले डिस्कॉर्ड को कनेक्ट कर लेना, डिस्कॉर्ड पे क्लिक करना। थोड़ा सा यार यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं वो भी देख लेता हूँ, ठीक है। डेस्कटॉप साइड कर लेना पहले तो इसको, ठीक है। जैसे ही डेस्कटॉप साइड करोगे इसको नेक्स्ट वगैरह कर देना, ठीक है। यहाँ पर से हो जाएगा, अभी कनेक्ट विद ट्यूटर पे क्लिक करना साइड में चेक पे। जैसे ही क्लिक करोगे तो एक मिनट में दिखा दे रहा हूँ, डिस्कॉर्ड और ट्यूटर दोनों ही कनेक्ट नहीं हो रहा है अभी के लिए। जैसे ही होने लग जाएगा आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। एक मिनट में देख लेता हूँ फिर भी। तो गाइस आपको यहाँ पर प्रोफाइल पर आ जाना है, प्रोफाइल पर आने के लिए यहाँ पर लोगों पर क्लिक करना, एड्रेस पर टच करना, कुछ इस तरीके के इंटरफेस पर आओगे। एडिट प्रोफाइल पर आना, एडिट प्रोफाइल पर आने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा, दिखाता हूँ, एक डिस्कॉर्ड और एक ट्यूटर, ठीक है। तो आपको ट्यूटर पे क्लिक करना है, ट्यूटर पे क्लिक करोगे एक साइन इन का रिक्वेस्ट जाएगा आपके मेटामास्क पे। प्रोफाइल पे आने के बाद ये होगा, ठीक है गाइस। तो मैं इसे यहाँ से साइन इन कर देता हूँ जिससे कि वो मेरा वहाँ पर कनेक्ट हो सके, ठीक है। अभी इस तरीके से आएगा, आपको यहाँ पर ट्यूट पे क्लिक करना होगा। ट्यूट पे क्लिक करने के बाद जो भी ट्यूट आएगी इसको ट्यूट करके इसका लिंक कॉपी कर लेना। देखो जैसे कि मेरे सामने ये ट्यूट आ गई, इसको मैंने ट्यूट कर दिया। अरे यार मैंने गलत आईडी से कर दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही आप इसे ट्यूट करते हो व्यू पर क्लिक करना, व्यू पर क्लिक करने के बाद देखो इस बार लिंक को कॉपी कर लेना। तो मैं कॉपी कर लिया हूँ, बैक आता हूँ गाइस। पहले यहाँ पर इस URL को सबमिट कर देता हूँ, और साइड में आपको छोटा सा सबमिट का बटन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक कर देना। देखो ये आपको हो जाएगा वेरीफाई, कनेक्ट विद डिस्कॉर्ड पर क्लिक करना और आपका डिस्कॉर्ड भी आ जाएगा, इसको ऑथोराइज़ कर देना, ठीक है। तो मैं कर लेता हूँ गाइस। तो जैसे ही आप इसे ऑथोराइज़ करोगे आपका ट्यूटर और डिस्कॉर्ड सक्सेसफुली हो जाएगा। अभी आपको यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पर छोटा सा 3 डॉट है, उसके ऊपर क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करोगे थोड़ा सा छूम करके दिखा दे रहा हूँ, 3 डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको फर्स्ट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ब्रांड फर्स्ट वाला, उसके ऊपर क्लिक करना। और यहाँ पर बहुत सारे फ्री के एड्रॉप आते हैं, फिर आपको क्या करना है इसके ऊपर क्लिक करना रहता है, इनके ऊपर क्लिक करके ये जो टैक्स बोलते हैं उसको करना रहता है, ठीक है। तो उसके बाद आपका रिवार्ड इंस्टेंटली क्लेम हो जाता है, पर डे आपको कुछ ना कुछ नया टैक्स वगैरह दिखता रहेगा, ठीक है। तो आप कर लीजिएगा, मैं बताऊंगा कौन कौन से करने हैं, ठीक है। टेलीग्राम पे बताता रहूंगा, क्योंकि इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट वाले भी आते हैं, उसको हमें हाथ भी नहीं लगाना, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ गाइस। नेक्स्ट हमारा जो छठा एड्रॉप आ रहा है गाइस, वो अपना आ रहा है यहाँ पर, किसका आ रहा है एक मिनट, ये जो ये आ रहा है इसको यहाँ से आपको क्या करना है, इसको ज्वाइन करने के लिए आपको इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद देखो यहाँ पर, पहले मैं आपको इसका डिटेल दिखा देता हूँ। एक स्वैप की तरफ देखो, इसकी तरफ से आ रहा है, यहाँ पर आर्टिकल वगैरह सब कुछ है, कैसे करना है। अगर आर्टिकल नहीं पढ़ना तो बता रहा हूँ, सिंपली से अपने ट्रस्ट वॉलेट को ओपन कर लीजिएगा या फिर मेटामास्क को, दोनों में से एक को कर लीजिएगा। मैं प्रीफर करूँगा मेटामास्क को कर लेना, क्योंकि स्टेकिंग वगैरह भी आपको करनी पड़ेगी। तो देखो गाइस फिर से मेटामास्क को ओपन कर लिया गाइस। मानता हूँ वीडियो लगभग 36 मिनट के आसपास की बन रही है, लेकिन क्या करूँ आपको सारा प्रोसेस समझाना है मेरे को। अभी आप नेटवर्क पे क्लिक करना, BSC स्मार्ट चेन मेननेट सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद होम पेज पे क्लिक करना और यहाँ से सर्च कर लेना पेनकेक स्वैप, ठीक है। तो मैं पेनकेक को ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही आप पेनकेक स्वैप को ओपन करोगे गाइस, तो आपके सामने इस तरीके का कुछ इंटरफेस आएगा, ऑटोमेटिकली कनेक्ट वाले पेज पे शायद लेके जाएगा ये। अगर नहीं जाता तो 3 डॉट पे क्लिक करके कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करके कनेक्ट कर दीजिएगा। तो मेरा तो यहाँ तक कनेक्ट हो गया, देख सकते हो। अभी आपको यहाँ पर आ जाना है, नीचे आने के बाद देखो यहाँ पर आ जाना,
यहाँ पर आने के बाद फर्स्ट में आपको BNB रहने देना है। केक की जगह पे आपको जो क्वाड्रेट एड्रेस आप लाए थे उसको पेस्ट कर दीजिएगा। जैसे ही पेस्ट करोगे ये टोकन आ जाएगा, इसको इंपोर्ट पे क्लिक करना और इसको यहाँ से इंपोर्ट कर लेना। अभी बात रहती कितना टोकन बाय करना है, हाफ से हाफ डॉलर का 0.009, ठीक है। तो मैं तो करूँगा गाइस 100 टोकन, ठीक है, आप कर लेना आपके अकॉर्डिंग। आप 30 टोकन भी करोगे तो चलेगा। उसके बाद स्वैप पे क्लिक करना, कंफर्म पे क्लिक करना, एक रिक्वेस्ट जाएगा अपने मेटामास्क के अंदर, इसको कंफर्म करके थोड़ा सा BNB का चार्जेस लगेगा, तो आपके पास होना चाहिए गाइस BNB। तो मेरे पास है तो मैं स्वैप कर लेता हूँ, देखो कितना फीस लग रहा है, ठीक है। इसको कंफर्म पे क्लिक करता हूँ, कंफर्म पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करता हूँ, ठीक है, जब तक ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली हो रही है। तो देखो मेरी ये ट्रांजेक्शन हो गई सक्सेस। अभी पैनकेक पे आता हूँ, देखो ये भी हो गया। अभी एड का डायरेक्टली बटन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करके सिंपली सा यहाँ से टोकन को ऐड कर लेना, वरना क्वाड्रेट एड्रेस दिया उससे भी आप इंपोर्ट टोकन कर सकते हो, आपकी जो मर्जी, ठीक है। तो देखो मेरा 100 टोकन यहाँ पर ऐड हो गया है, अभी मेरा यहाँ पर शो भी कर रहा है, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी मैं आपको दूंगा एक स्टेक का लिंक इसका, ठीक है, इसका स्टेक का लिंक दे दूंगा। अभी देखो इसका स्टेक का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इस लिंक को ओपन करना, आपको होल्डर भी बनना है, प्लस स्टेक करके भी आप कर सकते हो। तो चलिए मैंने इसको पेस्ट कर दिया है, पेस्ट करने के साथ ही साथ कुछ इस तरीके का इंटरफेस भी मेरे सामने चला आया है, ठीक है। अभी थोड़ा इसे नीचे करना, नीचे करने के बाद आपको बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे, तो इस पे से किसी पे भी क्लिक करना। पहले तो अभी आपको सीडोट पे जाना है, यहाँ पर कनेक्ट वॉलेट कनेक्ट का दिख जाएगा, अगर नहीं दिखता तो 3 डॉट पे क्लिक करना, यहाँ से इसे कनेक्ट कर लेना प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक करके मेटामास्क के साथ, ठीक है। तो मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ, तो देखो मैंने इसे कनेक्ट कर दिया। जैसे ही मैंने इसे कनेक्ट किया, यहाँ पर से आप देख सकते हो कि मेरा हो गया कनेक्ट। अभी आ रहा है डिसकनेक्ट का ऑप्शन, तो मैं डिसकनेक्ट तो नहीं करूँगा, ठीक है। अभी देखो गाइस आपको नीचे आ रहा है, ये फर्स्ट वाला ही दिख रहा है आपको, इसके ऊपर क्लिक करना, ये हाई लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करोगे इस तरीके से आएगा अप्रूव का ऑप्शन, अप्रूव पे क्लिक करना। अप्रूव पे क्लिक करने के बाद एक छोटा सा ट्रांजेक्शन जाएगा फीस के रूप में मेटामास्क में, तो मैं दे देता हूँ, बहुत ही कम फीस होती है, ठीक है, अप्रूव की $0.10, तो दे देना, ठीक है। तो मैं दे दिया हूँ, अभी अप्रूव होने का वेट करता हूँ। तो देखो मेरा अप्रूव हो गया, ठीक है, अप्रूव होने के साथ ही साथ यहाँ पर देखो मेरा अप्रूव हो गया सक्सेस। अभी इसको कैंसिल कर देता हूँ। अभी यहाँ पर स्टेक में अमाउंट में मेरे पास 100 है, ठीक है, तो मैं 50 लगा दूँगा और 50 होल्ड कर दूँगा, ठीक है। तो 50 डाल के यहाँ पर मैं स्टेक का एक बटन देखने को मिलेगा, स्टेक पर क्लिक कर देता हूँ, लेकिन थोड़ा सा वेट करने का, इसे एक बार पेज को रिलोड कर लेना, बाद में आपने अगेन से 1 पे क्लिक करना है, यहाँ पर 50 टोकन डाल देना है, ठीक है। तो मैं डाल दिया हूँ 50, यहाँ पर हो नहीं रहा, रुकिए मैं चेक कर लेता हूँ गाइस, ठीक है, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक मिनट, कोई रिक्वेस्ट वगैरह गया है क्या, नहीं तो, लेकिन यहाँ पर स्टेक हो नहीं रहा, ठीक है। तो मैं जब भी इसका जो भी अपडेट आएगा वो मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूँगा, ठीक है। तो अभी इसका स्टेक हो नहीं रहा, जब भी होगा मैं बता दूँगा। आप चलते हैं लास्ट एड्रो की तरफ, लास्ट अपना 7 एड्रो भी अच्छा है, 200 यूज़र को मिलेगा, ठीक है। तो इसको भी कर लेना, ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे करना है, ठीक है। तो आपने कर ही लिया होगा, अगर नहीं किया तो कर लेना। यही थे आज के 7 एड्रॉप, उम्मीद है पसंद आया। मैं मानता हूँ 27 से 28 मिनट की वीडियो बन गई, लेकिन लव यू ऑल गाइस, बोलते बोलते थक गया, अब मैं नहीं बोल सकता, लव यू ऑल गाइस, वीडियो एंड कर देता हूँ, लव यू ऑल गाइस। 7 एड्रॉप कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बता देना, लव यू ऑल गाइस, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपर के साथ, तब तक लव यू ऑल गाइस, टाटा बाय बाय। तो गाइस आपको ये दिखाना तो भूल गया कि MXC पे हमारा टोकन आया है कि नहीं, सिंपली था MXC को ओपन करता हूँ और आपको दिखा के वीडियो फटाक से इन करता हूँ, बोल तो नहीं पा रहा हूँ गाइस, लेकिन क्या करूँ, ठीक है। यहाँ पर जाता हूँ वॉलेट पे और आप देख सकते हो यहाँ पर टोकन आ गया है, ठीक है, हाइड पे ये देखो आ गया है टोकन, ठीक है। तो वीडियो में इतना ही था, लव यू ऑल गाइस।